लगता है मलिक फिर से जीत गए। महीनों की गहमा गहमी के बाद 1996 लोकसभा चुनावों के परिणाम आज घोषित कर दिए गए हैं और पिछले 3 लोकसभा चुनावों से अपनी जीत दर्ज कराते हुए कमल नारायण राजवंशी इस बार फिर 2,21,000 वोटों से जीत गए हैं। बधाई हो एमपी साहब। बधाई की हकदार तो आप हैं, हमने तो सिर्फ इलेक्शन लड़ा है, जीत तो आपकी हुई है। बड़का भैया, कार्यकर्ता लोग आपको सुनने के लिए बहुत उत्साहित हैं। दो ही सब दिन को भी कुछ कह दीजिए, खुश हो जाएंगे सब। भैया जी, भैया जी, शांत 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 शांत, आप लोग भी पीछे शांत। इस जय जयकार के असली हकदार आप लोग हैं, आप सभी लोग। आप लोगों ने फिर से साबित कर दिया है कि भैया जी पर आप लोगों का कितना भरोसा है। नम्रता पूर्वक भैया जी आप लोगों को नमन करते हैं। हमारी इस जीत में हमारी अर्धांगिनी, हमारी धर्मपत्नी यानी कि आप लोगों की भाभी जी तेजस्विनी के साथ साथ हमारे छोटे भाई मनोहर का भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये दोनों और आप सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े नहीं होते तो शायद ये जीत उतनी आसान नहीं होती। एक बार फिर
हृदय से भैया जी आप लोगों को धन्यवाद करते हैं। क्या क्या कर रहे हैं आप? मनोहर आपकी जगह वहां नहीं, यहां है हमारे दिल में। सर आपने कहा था कि आप इस इलाके की सारी सड़कें पक्की बनवाएंगे, क्या हुआ उसका? सर अस्पताल के लिए भी कहा था, उसका काम कब से शुरू होगा? सर क्या आप अपने क्षेत्र की उन्नति के लिए सरकार से स्पेशल पैकेज की मांग करेंगे? आप लोग सारा हिसाब किताब आज ही करेंगे क्या? इस बात के लिए रखिए, आज खुशी का माहौल है, चारों तरफ हर्षोल्लास है, जाइए जलपान कीजिए। और जनता के सवालों का जवाब देने के लिए हम यहाँ पूरे 5 साल उपस्थित हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए, जाइए। सर जिसे आप अपनी जनता कहते हैं, सुनने में आया है कि वो बहुत बुरी हालत में है। ये भी कहा जाता है कि वो आपके गुलाम यानी बंधुआ मजदूर है। उनके हाथ में आपकी मोहर भी है। मैडम ये आपके गले में जो लटका हुआ है आइडेंटिटी कार्ड, ये भी तो एक किस्म का मोहर ही है। चलिए बताइए मैडम, यहां बंधुआ कौन नहीं है? हम खुद बंधुआ हैं, अपनी धर्म पत्नी के। भाई बहन राखी के बंधन से बंधे हुए हैं, भाई भाई खून के रिश्ते के बंधुआ हैं। आप खुद ये देखिए, ये पूरा सच चैनल की बंधुआ है। आप हम ये सभी लोग किसी ना किसी के बंधुआ हैं। और आप जिन्हें हमारा बंधुआ कह रहे हैं, दरअसल वो हमारे बंधु हैं, सका हैं। इस प्रदेश में, इस प्रांत में सभी लोग हमें भैया जी कहकर पुकारते हैं, यानी कि बड़े भाई के समान। एक बड़ा भाई जिस तरह से छोटे भाई का ध्यान रखता है, ठीक उसी तरह हम अपने लोगों का ध्यान रखते हैं, इस प्रांत इस प्रदेश के लोगों का ध्यान रखते हैं। चलिए किसी दिन आपको हमारे खेतों की सैर कराते हैं, आप खुद अपनी आंखों से देखेंगी कि हमारे मजदूर कितने ठाठ से रहते हैं। इस सैतूत का पत्ता है, सैतूत का इसे रेशम बनता है, कोई खास नहीं। जो 4 पत्ते अपने पैरों के नीचे कुचल कर मसल दिए हैं तू, हमका माफ कर दो मालिक। अरे माफी तोरा बाप पैसा में बदलेगा क्या? आज अगर खुशी का दिन ना होता तो भैया जी की कसम कबो का ये काट देते तो का। और ये हरिया तो को अपना काम देके अपनी हड्डियां चटकाने चला गवा का। कहा है रे हरिया? ए हरिया, ए हरिया, ए हरिया। कस्तूरी कहाँ मर गया है तेरा ससुर? बाबूजी झोपड़िया में है, कीड़ा छाट रहा है। कीड़े छाट रही के खेलत रही हूँ उका साथ? उका वास्ते तो सवेरे भेज रही हम, और वो छोकरा जो तोहार ससुर जी रखे रही, 4 पत्ते मसल दी हूँ कीड़े के जने ने। अब बता उकी खाल उधेड़ू या तोहार ससुर की, बता। नहीं नहीं, वो
उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उनको माफी कर दियो। हम है ना, हम अभी जाकर चार पत्ता लेकर आते हैं और वहाँ बिछा देते। 40 बिछाएगी तू और तुहार ससुर। अरे सजा तू तय करेगी कि हम बड़ी वकीलन बनी फिरती अपने ससुर की। 4 पत्ता की सजा 40, समझे? जा बोल दे अपने ससुर का। चलो। शोषित नारी संघ का चेक बनवा दिया है, साइन कर दीजिएगा, महाभोज के बाद सबके सामने दे देंगे। देखिए ना कितनी सुंदर ड्रेस बनवाई है हमने, हम तो ऐसे ही हैं लवली। देखना आज पार्टी में सब हम ही को देखेंगे। कोई नहीं देखेगा आपको, ये चमचम करता ड्रेस उतार दीजिए, छत पे लटका हुआ झूमर लग रही है। बारे मार पगली बहनिया। क्या कहा? उतार दीजिए। अब हम झूमर कैसे लग सकते हैं? झूमर में तो कांच लगे रहते हैं और हमारी ड्रेस में तो कांच भी नहीं है। अरे भैया जी के कहे का मतलब है कि ये जो कपड़ा है ना आपके ऊपर जच नहीं रहा है। क्या? अरे अब मुंह लटकाने की क्या जरूरत है? हा? चलो हम दूसरा निकाल देंगे। अरे चलो। अरे आज तो बहुत बड़ा दिन है, तनी जल्दी जल्दी काम निपटाए ले। आज महाभोज माँ जिलेबी मिली है। अरे हम तो सुने की पूरी भाजियो है, आपका साथ आलू के सब्जियों मिली है। बहुत बढ़िया, बहुरिया पिटवा को भी ले लो। जिलेबी खाइबो की ना? अरे चाचा निपटाई लो काम। ले सुना तुमने, आज तुम्हारा मैं भर पेट खाना खाइबे। चल मंदिर गई। आज के दिन हमने उन्हें रोकना उचित नहीं समझा। अरे दो जन का बोझ लेकर चार जन का काम करेगी का? अरे माई आज तो रहा उपवास है, आज काम करेगी का? तो का हुआ? अरे बुढ़िया हूँ, 9 महीने पेट से तो नहीं हूँ। अरे माई इकी चिंता तू मत कर, इको बाहर तो आने दो, फिर देखना कि हम सबन का पेट ही भरेगा अपनी कमाई से। अरे सुनते हो जी बहुरिया का कहते? अरे ठीक ही तो कहते, हम भी तो एक ही सपना देखे रहे। बच्चा हम सब का बंधुआ मजूरी से मुक्ति दिलाएगा, दिलाएगा ना? अरे संकट मोचन की कृपा हो तो सब ठीक हो जाए। ये ले केला। केला? अरे नहीं नहीं, वहाँ महाभोज है, बहुत अच्छा खाना मिली और जलेबी भी। क्यों बच्चा? हाँ चले। चलो जल्दी जल्दी कर लो फटाफट। हाँ चलाओ जल्दी जल्दी, चलो चलो फटाफट जल्दी चलिए करिए, चलो जा माँ जल्दी करिए, चलो जल्दी चलो जल्दी। हाँ चलाओ चलो, ये सही हो रहा ना? अरे चीनी और डाल, यहाँ किसी को शक्कर की बीमारी नहीं है, समझा का? अगर भैया जी के भोज का मजा फीका हुआ ना तो हम सबको उल्टा लटका देंगे, समझा? चलो करो अच्छे से।
अरे भुवन, भगवान की सुगंध से नशा हो रहा है का? सर पे डलिया नहीं टिक रहा, चल उठा मिट्टी और डाल वापस। मिट्टी उठाए की का जरूरत है लाखन भैया? मिट्टी तो मिट्टी ही है, मिट्टी यहाँ गिरी या मिट्टी वहाँ गिरी, गिरी तो सड़क पर ही ना। ए चुप, ले तो घुमाए के दे, चल काम करो। वाह रे भुवन वाह, बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो। हमारी खिल्ली उड़ाने की सजा जानत हो? महाभोज के बाद सारे जूठे बर्तन तो को साफ करे को पड़ी, और वो भी अकेले, बुझाया का? ऐसा जुलम ना करो लाखन भैया। चले फोन लग जा काम पे, नहीं तो घुमाए के हंटर थे। भैया जी आवत होंगे, चल चलो जल्दी जल्दी कीचड़ भरो, सड़क तैयार करो, भैया जी आवत ही होंगे। धन्यवाद धन्यवाद, हम कह देंगे बड़के भैया, चलिए। पटना के एमएलए आशीष कुमार रहे, बहुत बड़ी बड़ी बधाई दे रहे थे, हमने उनको एक छोटा सा धन्यवाद दे दिया। ड्राइवर गाड़ी रोको। गाड़ी क्यों रोक दिया आपने? अम्मा से हम फिर जीत गए। हमारे पैरों को हाथ मत लगाइए, मैले हो जाएंगे। सुनाई बातों पर विश्वास करती रहेंगी आप? कभी तो अपने बेटे की सुनिए, कभी तो जान लीजिए कि सच्चाई क्या है। आपके और आपके पिताजी की सच्चाई हमें अच्छी तरह पता है। रास्ता छोड़िए, हमें जाना है। कहां कहां धूल मिट्टी में पैदल पैदल जाएंगी आप? गाड़ी में बैठिए, पहुंचा देंगे आप, चलिए। जो खुद मिट्टी का बना हो उसे धूल क्या मैला करेगी। ए अम्मा, कम से कम आज के दिन तो ये जली कटी मत सुनाइए। आज बड़का भैया की जीत का जश्न देश भर अबीर और गुलाल उड़ाए के मनाए रहा है, और एक हमारा अम्मा है जो धूल मिट्टी उड़ाए रही है, क्यों आता आना है। आइए, जश्न तो हम उस दिन मनाएंगे जिस दिन सच्चाई की जीत हो। गाड़ी में बैठिए अम्मा, हम बोल रहे हैं, चलिए गाड़ी में बैठिए। तिरंगा,
आपके राज ने तो इससे लहराने की भी आजादी छीन ली। हम जा रहे हैं। बाबूजी, अरे कहाँ हो गया? कहाँ हुआ बाबूजी? तबीयत बहुत ही खराब है। भोज में जाना है का? चलते हैं, नहीं तो बछुआ बोलेगा कि माँ झूठ बोलत रही। कोनो पकवान नहीं मिला, चल। संभाल के। चल। ओम श्री शनि देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री सूर्य देवताभ्यो नमः स्वाहा। हरीश, अरे सारा पत्ता, हम अभी आओ। अरे नहीं, बिटुआ तू अंदर जा, नहीं तो बचुआ को कुछ हो जाएगा। मैं लेके आता हूँ। सारा पानी अंदर आ गया। बाबूजी संभाल के रहना, अभी आवत है। बाजी, कुछ नहीं हो रही थी तो।
कस्तूरिया बाबा को कहीं देखा है का? हम तो नहीं देखे, शायद मंदिर में हुई है। हाँ, वहाँ तो हम देख लिए, न जाने कहाँ रह गए। बारिश रुक गई है, जाकर महाभोज प्रारंभ कराओ। जो आज्ञा बड़ी बाबूजी। महाअभिषेक संपन्न हुई गवा, भोजन आरंभ करो। चलो अकेली। श्याम भैया अब भोज करो, हम आवत हैं। हाँ कस्तूरी, का हुआ बोलना, का हुआ? अरे कुछ बोल तो, का हुआ? अरे कुछ बोलेगी भी कि का हुआ, कि छुपा ही रहेगी? बाबूजी, बाबूजी। चल कोई भूल होगी का? अरे माई का कह रही हो, वो गए है ना वैद्य जी को लाने, अभी लाते होंगे। हाँ सब ठीक हो जाएगा। इलियो थोड़ा सा पी लियो। हाँ इलियो।
कौन उन्हें मिला? बैठ जी डॉक्टर साहब, सब मंदिर में है। तो क्या हुआ? हमरा कड़ा है ना, हमरा कड़ा बैठ जी से कम थोड़ी ना है, सब ठीक हो जाए। पीलो काढ़ा पीलो बाबूजी। बाबा लो, बाबा मुंह खोलो बाबा। बाबा थोड़ा काढ़ा पीलो बाबा, लो थोड़ा सा पीलो बाबा, सब ठीक हो जाए। बाबा बाबा थोड़ा मुंह खोलो बाबा, ये काढ़ा पीलो बाबा। बाबा अरे मुंह का खोलेंगे, ये तो होश माई ना ही है। गंगा जल से कछु ना ही हो सकत भुवन। ई का कहा तो पंडित जी, गंगा जल के बिना हमार बाबा की मुक्ति कैसन होई? सस्ता ओछा सोचेगा तो कैसन मुक्ति मिलेगी है? तो हम का करी पंडित जी? एक काम करे तो हो सके है। का? गोदान, ब्राह्मण को गोदान कर तो तोहरे बाबूजी को मुक्ति जरूर मिल जाए। पंडित जी हम सबने मुक्ति का मार्ग बताए। अरे पुरखे जो पाप किए रहे उनका प्रायश्चित गोदान से हुई। कुछ भी कर, अरे कहाँ से मिला? अब तो गौ माता ही बेहतर नहीं पार कर, अरे तेरे बाबूजी को वैकुंठ का रास्ता मिलेगा। भाई भाई घर में 3 रुपया पड़ा है, ये का दान कर दे। हमारे बाबा का यही गोदान है। बहू तू ही सब संभाल लेती है, भुवन से ज्यादा तो ही पर भरोसा है। इन्हें मुक्ति का मार्ग दिलवा दे, गोदान करा दे। आपके इस जोक पर जजमेंट हम अभी नहीं दे सकते। हाँ, मगर रिटायर होने के बाद जजमेंट जरूर दूंगा। आपको हम रिटायर होने देंगे तभी तो आप रिटायर होंगे ना। जब हजारों दुश्मन सर पर गिद्ध की तरह मंडरा रहे हो तो एक खास दोस्त को अदालत के उच्चतम कुर्सी पर बैठे रहना चाहिए। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। तेरी खुपड़िया में बात आती है कि नहीं? मालिक नहीं मिल सकते, उनके पास समय नहीं है। चलो तुम यहाँ से। भैया भैया हम तोरे आगे हाथ जोड़ते भैया, हमको अंदर जाए दे। उनके पास समय नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। चलो जाओ यहाँ से, निकलो तुम यहाँ से। We'll be right back.
रुक। मालिक, मालिक, हमरे बाबूजी की जान बचा लो, हमरे बाबूजी को बचा लो। उनकी जान का ले बैठ के पंडित जी ने कहा कि गोदा नहीं किया तो उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। मालिक, हमरे पास पैसा नहीं है। मालिक, थोड़ा सा पैसा दे दो, हमरे हमरे बाबूजी को बचा लो। मालिक, हम पर दया कर दो। मालिक, हम पर दया कर दो। आप हमरे बाबूजी को हम पाई पाई चुका देंगे। मालिक, भैया जी, आपने तो कहा था कि आपकी जनता बंधुआ नहीं बंधु है। ऐसे रखते हैं आप अपने भाई बंधुओं को? अरे नहीं नहीं, आप तो देख ही रही हैं, इस औरत का यहाँ होना इस बात का प्रमाण है कि हमारे दरवाजे पर कोई कभी भी आ सकता है। जैसे कि ये औरत आ गई। छगन सिंह, इसे ऊपर कमरे में ले जाओ, चाय नाश्ता कराओ। जाओ बहन, परेशान न हो, तुम्हारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इतने अंदर कहाँ जा रहे? ओह, हमारी घरवाली, हमारी मालकिन, मालकिन आपका उपकार जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मालकिन, पाई पाई करके पैसे चुका देंगे। मालकिन, इसके पति को भी ऊपर ले जाओ। जाओ बहन। आप लोग क्यों रुक गए? पॉलिटिकल और पब्लिक लाइफ में ये होता रहता है। चलिए एंजॉय कीजिए, एंजॉय कीजिए। आप लोग क्षमा चाहते हैं। अरे अरे लुगाई की हिम्मत कैसे हुई भैया जी की पार्टी में घुसने की? हाँ, भूल हो गई हमारी लुगाई से, बहुत बड़ी भूल हो गई। ये काम आप कर लागन भैया। सरकार हमका खुद ही बोली कि हमरा काम हो जाए। विश्वास नहीं हो रहा ना तो मालकिन से खुद ही पूछ लो। का बोली रे नमक हराम, हमसे जवान लड़ाती है? रुको, नया खेल खेल रहे हैं ये तोता मैना। भैया जी, वो 2000 का उपकार हो जाए मालिक, हमरे बाबा की मुक्ति हो जाएगी। 2000 हो जाएगा, मगर 2000 के बदले गिरवी रखने के लिए तुम्हारे पास कुछ है का? बस हमरे बाबा की नैया पार लगवाए। असूल की बात है रे, कुछ लिया है तो बदले में दे का पड़त है। गिरवी रखने के लिए तोहरे पास है का? तोरा घर हमरे पास है, तोहरा खेत हमरे पास है, तोहरा पूरा खानदान, पूरा खानदान पुरखों से हमारे पास गिरवी है। अब तू ही बता, गेहूं के भरोसे तो का पैसे देते भाई? एक काम कर, गिरवी रखे के खातिर कोनो चीज का बंदोबस्त कर ले और पैसे ले जा। चल हट, चल हट, पैर छोड़ हमारा। उठा के फेंक दो इन दोनों को गेट के बाहर। ठहरो, इसके पास गिरवी रखने के लिए एक चीज है। हमरे पास?
जो मटके में तो और बच्चा है ना, एका गिरवी रख दे। अच्छा गिरवी रख दे, लगवा दे भी एकरे हाथ में मोहर। और ले जा पैसा।